अल्कलाइन डाइट लेंगे तो आपके सतयुग के लिए और जा सकते हैं, ये ऑलरेडी पहले डिस्कस हो चुका है। अभी हमको बोलते हैं कि भैया केमिकल केमिकल केमिकल्स केमिकल्स, तो ये सब चीज में केमिकल्स है कि नहीं? मैंने बताया दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स में केमिकल्स है कि नहीं? Yes. दवाई क्या है? प्योर केमिकल्स 100%। कोल्ड ड्रिंक्स क्या है? एसिडिक एंड केमिकल्स। ये जितने भी आप जो आप यूज करते हैं ना, हैंड वॉश वगैरह, क्या है? केमिकल्स है या नहीं? आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है, आपकी स्किन की पोरोसिटी से भी अंदर जा सकता है। ये जितने भी शैम्पू साबुन लिपस्टिक ये वो मेकअप वगैरह जो भी क्रीम लोशन वगैरह लगाते हैं वो सब क्या है? ये आप पैसे देके मंगाते हैं ना तो खाली वो फ्रूट के पीछे पड़ गए। ये सब चीज का क्या कोई पूछता ही नहीं? फ्रूट और वेजिटेबल्स को बदनाम करने के लिए बैठे हैं, तो ये सब तो आप पैसे देके लेके आते हो। ये साबुन क्या है? केमिकल डाले जाते हैं कि नहीं? ये जितने भी डब्बेबंद चीज आप जहां से बाजार से लाते हो वो क्या है? उसमें प्रिजर्वेटिव्स है या नहीं? केमिकल्स है या नहीं? तो वो तो आप सामने से पैसा देके लाते हैं ना, तो इसको भी तो रोको। खाली फ्रूट्स और वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, यस मैं ना नहीं बोलता हूँ, लेकिन ये तो सामने से आप इन्विटेशन बड़ी राजी राजी जाके लेके आते हो। ये सब चीजों को आपको अवॉइड करना है। टेफ्लॉन कोटेड जितने भी बर्तन हैं, आप यहां बैठे हैं अभी फोन करके बोल दो कि बर्तन जो भी है कुकिंग में यूज नहीं करेंगे। क्या बताया इनको? बताया मीन्स आपको भी बता दे, आप आपके होम मिनिस्टर को बोल दीजिएगा जो भी टेफ्लॉन कोटेड यूटेंसिल्स है हम यूज नहीं करेंगे। क्यों? टेफ्लॉन जो है उसका मेल्टिंग टेम्परेचर होता है 250 से 300 के बीच में। आप जब भी फ्राइंग करेंगे कुकिंग करेंगे रोस्टिंग करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ता है, तो इसका केमिकल डिकम्पोजिशन होता है और भयंकर केमिकल्स पैदा होते हैं। वो आपके खाने में मिलते हैं जो डेडली प्रॉब्लम्स खड़े करते हैं और धीरे धीरे वो खिसता भी है तो कुछ ना कुछ थोड़ा ना थोड़ा आपके खाने में आ जाता है। वो माइक्रो लेवल में होता है या नैनो लेवल में होता है लेकिन होता है। तो टेफ्लॉन कोटेड से बचिए। एल्यूमिनियम के यूटेंसिल्स बिल्कुल यूज मत कीजिए, आपको बर्बाद करने के लिए एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स बहुत अच्छे हैं। कोई भी एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स में आप थोड़ा लींबू ही डाल के देखो या कोई भी एसिडिक चीज डाल के देखो वो कलर चेंज हो जाता है कि नहीं, फिर हाथ लगाओ तो वो हाथ में आ जाता है, वो ऐसे ही डिसइंटीग्रेट होता है। और आपकी होटल्स में छोटी मोटी रेकड़ियों में यही एल्यूमिनियम के यूटेंसिल्स में बना के देते हैं, लेकिन मसाला डालते हैं तो बाकी सब दब जाता है और ये खाते हैं तो एल्यूमिनियम के यूटेंसिल्स नहीं यूज करते हैं, टेफ्लॉन कोटेड यूटेंसिल्स नहीं यूज करने हैं, प्लास्टिक फॉइल्स यूज नहीं करने हैं। एल्यूमिनियम फॉइल्स में आप पैकिंग होके आते हैं ना वो भी यूज नहीं करने हैं। प्लास्टिक के बॉक्सेस भी हो सकता है तो उसको अवॉइड करो, क्योंकि ये जो प्लास्टिक की क्वालिटी का कोई ठिकाना नहीं है। और वो भी आप गर्म जब भी डालते हैं, प्लास्टिक जो है पीवीसी है वो 70 डिग्री में डिफॉर्म होती है, क्या होता है? और आप गर्म गर्म खाना डाल भी दिए या तो खट्टा डाला ये डाला कुछ भी केमिकल है वो धीरे धीरे डिकम्पोज होके इसमें मिलता है और ये डेडली इफेक्ट दे सकता है, तो ये सब चीज से बचिए। प्लास्टिक बोतल से भी हो सकते तो बचिए, तेल से बचिए, रिफाइंड तेल से भी उससे ज़्यादा बचिए। आज डबल रिफाइंड बोल के मार्केटिंग हो रही है, डबल जहर बोलते हैं, तो ये सभी चीज से आपको बचना है। कोई प्रश्न है इसके अंदर? या तो आप सब कुछ समझ जाते हो या तो कुछ समझते ही नहीं हो, दो में से एक एक्सट्रीम होता है। समझा जाता है ना? वेरी क्लियर। हाँ,
एल्यूमिनियम जो बर्तन थे वो जेल के कैदियों के लिए अंग्रेज लाए थे। बराबर है, लेकिन क्या है, अभी अंग्रेज तो गए, लेकिन अंग्रेज के नाम पे आज भी हम लोग वही कर रहे हैं। तो अभी सुपर अंग्रेज है ना यहाँ पे, क्यों हटाते नहीं? क्या गवर्नमेंट को पता नहीं है? सर गवर्नमेंट को पता नहीं है, सब मानो मिनिस्टर इतने अंगूठे चाप है कि कुछ भी पता नहीं है, सब ऑफिसर को भी पता है कि नहीं है, तो लेकिन क्यों नहीं बोलते हैं? देखो ये तो पीए बोल रहे मिनिस्टर के, सब पता है लेकिन चुप बैठे, क्यों? वो मैं अकेले में पूछूंगा, पब्लिक में बोल रहे ऐसे भी वो डरते हैं। सर पैकर प्रेशर कुकर स्टील के भी मिलते हैं, ऐसा नहीं है, मिलते हैं, उससे बेटर है। क्लियर? देखो मैंने अब तक आपको मत खाओ मत खाओ मत खाओ मत खाओ, लेकिन कभी कोई दवाई, मैंने कोई जड़ी बूटी की बात की, कोई दवाई की बात की, लेकिन मैं एक ऐसी दवाई आपको बता ही देता हूँ, सुनना है क्या? अच्छी से अच्छी दवाई बता दूं? Yes. हर कोई लेगा? Yes. तो ये बता ही दूं? Yes. कि सीक्रेट रखो? Yes. बताओ कि नहीं बताओ? No. No. बताओ कि नहीं बताओ? No. जो लोग नहीं आए वो गए? Yes. चलो जाने दो उनका नसीब। देखो ये कुदरत का कानून है, 84 लाख जीव यही करते हैं। क्या बताया मैंने, इस जंगल में जितने भी प्राणी है, शेर हो, चीता हो, घोड़ा हो, गधा हो, वो ज्यादा बीमार तो नहीं होते क्योंकि प्राकृतिक भोजन लेते, लेकिन मान लो कभी उनको एक्सीडेंट हो गया या मारा मारी हो गई, उनकी हड्डी टूट गई या कुछ भी हो गया, तो क्या करते वो प्राणी? चुपचाप एक कोने में जाके बैठ जाते हैं, बराबर है, कुछ खाते नहीं कुछ पीते नहीं, बस अपने आप से मस्ती में बैठ जाते हैं। वैसे स्थिर कब तक रहते हैं? जब तक शरीर अपने आप को रिपेयर करके ठीक नहीं करता है तब तक। एक बार शरीर स्थिर हो गया फिर वो खड़े हो जाते हैं, अपने रूटीन में लग जाते हैं। तो करते क्या है वो प्राणी? शांति से बैठ गए तो क्या है, शरीर को स्थिर कर दिया। क्या किया? तभी शरीर कोई श्रम कर रहा है? नहीं कर रहा है। खाना पीना बंद कर दिया तभी खाने पीने में कोई शक्ति लगती है? पचाने के लिए भी शक्ति नहीं, खाने के लिए भी शक्ति नहीं, और तो पूरे जो है डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम दिया, किडनी को आराम दिया, लीवर को आराम दिया, सबको आराम दिया ना, तो ये जो बची हुई ऊर्जा जो है, पहले तो पूरे दिन काम खाने के लिए ढूंढने में पूरा दिन निकालते थे तो वो ऊर्जा बच गई, कुछ खाते नहीं तो खाने का पचाने में जो ऊर्जा, मल निष्कासन की ऊर्जा बच गई कि नहीं? तो बची हुई ऊर्जा क्या करती है? वो जो है शरीर की टूट फूट और रिपेयर में लग जाती है। ये जानवर क्या गलत नेगेटिव थिंकिंग करते हैं? इनमें कोई चिंता या भय है? इनमें कोई मोह या आसक्ति है? है क्या? हमारे में मोह है कि नहीं? है कि नहीं? किसका मोह है आपको? हाँ, किसका मोह है? हाँ, अरे सब साथ में बोलते तो कुछ पता नहीं चलता है। घर का, बाल बच्चों का, अपना, बराबर है, बहुत सारों का मोह है, वो तो बहुत चल, बराबर है कि नहीं? लोभ भी है, भय भी है, चिंताएं भी है। वो जानवर को कोई चिंताएं होती हैं, भय होता है, भय उनको होता है। देखो जानवर को भी भय होता है, जब सामने से कोई अटैक होता है ना तभी भी वो जो है इमीडिएटली दौड़ते हैं या तो अटैक करते हैं वो भय के कारण। लेकिन उनके भय का आयुष्य कितना है? मान लो एक हिरण है, उसके पीछे एक जंगली जानवर पड़ा, तो हिरण जोर जोर से दौड़ेगा कि नहीं? बहुत स्पीड से दौड़ेगा। और एक बार लगता है कि वो जानवर अभी पीछे रह गया और वो आगे निकल गया और अपने सेफ जोन में आ गया, क्या करेगा? थोड़ी देर बैठेगा, शांत हो जाएगा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं।
जितने भी पिक्चर अंदर थे या जो भी मेमोरी में था वो कंट्रोल ऑल्ट डिलीट, या तो गैलरी में जाके वो जो भी चित्र उसके दिमाग में थे या जो भी वीडियो बनी थी और दौड़ने की, उसने क्या किया, भूल गया, वो अपना खाना पीना चालू कर देता है। बराबर है, हमारे साथ होता है तो हम क्या करते हैं, वो भय वो चिंता पकड़ के रखते हैं कि नहीं। चार जन समझाएंगे तो भी समझने को तैयार नहीं, अगर हो गया वो आ गया तो क्या करूंगी क्या करूंगी क्या करूंगा। एक अनुभव जो है जिंदगी भर चलता है कि नहीं, 20 साल 25 साल के बाद परेशान करता है कि नहीं। तो ये जानवर हमारे से सब तरीके से अच्छे हैं। कभी कभी जानवर हंसते होंगे कि आदमी लोग अपने आप को स्मार्ट क्यों समझते हैं। अरे एक चीज तो उनका कंट्रोल में नहीं है, खाली दिमाग का दुरुपयोग करके हम लोग को परेशान करते हैं, पूरे सृष्टि का सत्यनाश कर दिया और सोचते हम महान हैं, खुद के छापे हुए पैसे से हम करोड़पति बन जाते हैं, झुनझुन वाला बन जाते हैं, हम तो उस पर थूकते भी नहीं मूंदते हैं। अगर ये इधर नोट डाल दे तो कौन सी गाय भैंस आके खाएगी चूमेगी क्या उसको, वो तो ऐसे ही उस पर हक के चली जाएगी मूंद के चली जाएगी। तो हमने ही अपनी अपनी दुनिया बना के रखी है। तो बोलने का मतलब है जानवर को भय भी नहीं है, वो तो वर्तमान में ही जीते हैं। तो सीखना है तो जानवर से सीखिए जीना कैसे है, उनका भय भी बहुत छोटा होता है। तो यह अवस्था में उनकी शक्ति बचती है, ये बची हुई शक्ति क्या करती है, अपना हीलिंग में लग जाती है। तो ये हीलिंग कौन करता है, ये बची हुई शक्ति और ऊपर वाले की शक्ति, तो जो कॉस्मिक एनर्जी तो जुड़ी जाती है, वो जाके वो टूटी हुई हड्डी को ज्वाइन करते हैं, वो फटी हुई जबड़ी को ज्वाइन करते हैं, जो बह गया खून वो नया खून बना के दे देती है। क्लियर? तो वो कोई दवाई लेते हैं नहीं लेते हैं, एक ही दवाई ली जो मैंने बताई, क्या किया, लांघन का सीवियर मीनिंग समझो, कुछ खाना नहीं इतना नहीं है, ये लांघन नहीं, ये उपवास होता है, खुद के साथ वास करना होता है। उसका मतलब है मैं मेरे साथ हूं, गलत विचार भी नहीं आते हैं, मैं वो परम शक्ति के साथ जोड़ता हूं। तो नेगेटिव थिंकिंग भी नहीं है, शरीर को आराम दे दिया, डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम दे दिया, मन को भी आराम दे दिया, तो जितनी भी एनर्जी है वो आपके हीलिंग में लग जाती है और आप ठीक हो जाते हैं। जैसे बहुत सारे बोलते हैं सर मुझे फायदा नहीं होता, मैंने इतने सारे ये किया वो किया निर्जला किया ये किया, लेकिन मन का निर्जला किया क्या? गलत थिंकिंग तो आज भी चालू है ना, नकारात्मक सोच है ना, नकारात्मक सोच है तो भी आप इतना ठीक नहीं हो पाओगे। 50% 60% 70% रिजल्ट मिलेगा, किसी को 40% किसी को 90%, हैप्पी को लकी को 90-95% छोटे टाइम में मिल जाता है। देखा है आपको, पता है हैप्पी को लकी वो अपने दिमाग में कुछ लेता ही नहीं, इतना मोटा सा है तो मोटा सा तो खुद हंसता है, इधर तो बाहर मेरे को बोला उसको बुरा लगता है, आप मेरे को ऐसा क्यों बोले, आपको क्या राइट है मुझे मोटा बोलने के लिए। और दूसरा जो हैप्पी को लकी है, राइट सर स्माइल है, तो उसने अपने दिमाग में लिया ही नहीं, अंदर जाने नहीं दिया। तो आपको हैप्पी को लकी बनना पड़ेगा, इसके लिए मेडिटेशन करना पड़ेगा, अंतर शुद्धि करनी पड़ेगी, तो उपवास करेंगे खुद के साथ वास करेंगे तो आपकी हीलिंग होती है। क्लियर? नहीं खाना फुल रिजल्ट नहीं देगा, आपको शरीर को भी आराम देना है और मन को भी आराम देना है, तब जाके आपका सही हीलिंग होगा। क्लियर? के डाउट है? क्लियर? डाउट है? ये मैंने आपको बता दिया, फास्टिंग जो करते हैं लांघन जो करते हो वो शरीर का मल निकालने के लिए ठीक है, शरीर शुद्धि के लिए, लेकिन उपवास करेंगे तो आपके माइंड का प्यूरिफिकेशन होता है, आपका सेल्फ रियलाइजेशन होता है, आपकी आत्मशुद्धि होती है, आत्म अनुभूति होती है और मोक्ष मुक्ति निर्माण का मार्ग यहां से शुरू होता है। क्लियर? ये जापान के साइंटिस्ट है ओ योशुमी,
2016 में उनको नोबेल प्राइज मिला ऑटो फिंगी के लिए।